नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल टेक्नीशियन चैनल में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर आपको पता है मोटर लगी होती है, जिसके वजह से आपका क्रैंकशाफ्ट या पिस्टन मूव कर पाते हैं। और जो पिस्टन्स होते हैं, आपको पता है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा के, उसकी स्पीड बढ़ा के सर्किट में जो चिलर होता है उसके सर्किट में रन कराते हैं। तो जो क्रैंकशाफ्ट है या जो पिस्टन है वो मोटर की वजह से रन करती है। अगर मोटर बाय द वे कभी कुछ फॉल्ट उसमें देखने को मिलता है तो आप किस तरीके से उसको टेस्ट करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो मेथड के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी मोटर को चेक कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि कोई सा फॉल्ट मोटर के अंदर आया है या नहीं है। मोटर किस तरीके से रन कर रही है, कितने एम्पियर ले रही है, किस तरीके का वोल्टेज है उसके अंदर, कहीं मोटर अर्थ तो नहीं है, किस तरीके का उसका रेजिस्टेंस है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफलाइन मेथड और ऑनलाइन मेथड क्या होती है, उन दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन मेथड के थ्रू और किस तरीके से ऑफलाइन मेथड के थ्रू आप किसी मोटर को चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि किस तरीके का उसका अंदर की कंडीशंस हैं। और इसको मैं कंप्लीट करूंगा एक मल्टीमीटर के थ्रू, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप मल्टीमीटर ले सकते हैं और सिंपली चेक कर सकते हैं, आपको 250 रुपये का कहीं से भी मार्केट में मिल जाएगा, बहुत आसान है। और उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि मोटर को किस तरीके से चेक करना होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दो कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं आपके मोटर्स के लिए, और यहाँ से जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगी वो यही मेन सप्लाई से होगी, जो कि आपकी मेन MCCB में आपका 420 का आपकी सप्लाई आ रही है, 3-phase की, जो आप सामने देख पा रहे हैं उसी मेन MCCB से आपके डिस्ट्रीब्यूट हुई है इन दो कॉन्टैक्टर में, और इन दो कॉन्टैक्टर से होते हुए आगे सप्लाई जाएगी मोटर की तरफ। इस तरफ आपका कंट्रोलिंग का पैनल है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये इसकी मेन सप्लाई की जो पैनल है, यहाँ से आपकी मेन सप्लाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एम्पीयरमीटर पे आपको करंट भी शो हो रहे होंगे, तो यहाँ से आपकी सप्लाई जाएगी उस पैनल के अंदर जहाँ पर आपका मेन MCCB लगा हुआ है, वहाँ पर से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दो कॉन्टैक्टर में। तो ये जो दो कॉन्टैक्टर हैं, इससे डायरेक्ट सप्लाई आपको आपकी जो मोटर है कंप्रेसर की उसको दे दी गई है। और जब हम इस चिलर को ऑन करते हैं तो पहला एक कॉन्टैक्टर ऑन होता है, उसके बाद कुछ मिली सेकेंड के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ मिली सेकेंड के बाद दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको 6 वायर्स या 6 टर्मिनल दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 3 एक कॉन्टैक्टर से आ रहे हैं और जो 3 हैं वो एक और दूसरे कॉन्टैक्टर से आ रहे हैं। तो ये 6 टर्मिनल 2 कॉन्टैक्टर से कनेक्ट हैं, तो ये आपका कंप्रेसर है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आपको पहले मैं ऑफलाइन मेथड का जो तरीका है चेक करने का वो दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चला होगा, ऑफलाइन मेथड में हम सप्लाई को ऑफ रखते हैं और जो मोटर्स होते हैं उनके टर्मिनल पे आपकी कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और जो अर्थिंग है इसका टेस्ट होता है। तो इस मेथड के अंदर हम इस तीनों टेस्ट के थ्रू आपको दिखाएंगे कि कहीं पर आपकी जो मोटर है वो कहीं फॉल्ट तो नहीं है। जैसे कि आपको ये पता चलेगा अगर आपकी कोई भी वायर ब्रेक होगी कॉपर की या जो वाइंडिंग की है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मोटर ख़राब हो चुकी है, आपको उसको रिवाइंड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑफलाइन मेथड में हम आपका चेक करते हैं 3 तरीकों से, जो कि आप अभी सामने देखने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे कंटिन्यूटी चेक, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक। उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने सिंपली इस तरीके से एक प्रॉप को, कोई सी भी रेड या ब्लैक को ऐसे रख लेना है किसी एक टर्मिनल पे, और उसके बाद दूसरे वाले को दूसरे टर्मिनल पे रख लेना है। इस तरीके से आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और इसी के साथ साथ आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 0.5 दिखा रहा है दो टर्मिनल के बीच में। उसके बाद दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, उसके साथ भी इसकी जो कंटिन्यूटी टेस्टिंग है वो ओके है, और जो रेजिस्टेंस है इसका 0.5 का है। तो ये इस तरह का जो कॉलम है वो एक ग्रुप के, ये समझ लीजिए जो कंटिन्यूटी है वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि यहाँ इस साइड की जो वाइंडिंग है वो साथ में कनेक्ट है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी ओके दिखा रहा है। जैसे कि ये रुकिएगा थोड़ा सा, ये 0.5 और इन दोनों के बीच में 0.5। तो इस तरीके से आप इस साइड वाली का भी चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये वाला जो पोर्शन है वो अलग बाइंडिंग के ग्रुप का है और इधर वाला जो पोर्शन है वो अलग बाइंडिंग के ग्रुप का है, इसलिए ये आपस में कंटिन्यूटी शो करेगा। जैसे कि इस टर्मिनल को मैं इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ, तो देखेंगे आप 0.6 या 0.5, उसी के साथ इस टर्मिनल के साथ
0.5 और 6 सेम दिखा रहा है, और उसके बाद इस टर्मिनल के साथ 0.6। तो ये वाला जो ग्रुप है वो सेम है और ये वाला वाइंडिंग का ग्रुप सेम है। अब अगर मैं अगर क्रॉस में चेक करता हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे इसमें कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, तो इनके बीच में कोई सा भी आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग्स अलग अलग है, इधर वाला ग्रुप अलग है, इधर वाला ग्रुप अलग है। तो इस तरीके से आप किसी भी वाइंडिंग्स का ये जो कनेक्शन है ये अलग तरीके के हैं, और मोटर्स के कुछ अलग तरीके के होते हैं। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ आप रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि कोई मोटर जो है वो ओपन तो नहीं हो गई है, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर ओपन हो जाएगी तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा दिखाएगा, या आप जो ओपन हो जाती है या कहीं से ब्रेक हो जाती है तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं शो होती है, जैसे कि यहाँ पर अभी शो हो रही थी, इस तरीके से आवाज नहीं आती है उस मोटर के अंदर। इसी के साथ साथ एक और टेस्ट होता है ऑफलाइन में, वो होता है आपका अर्थिंग का। अर्थिंग में आपने सिंपली क्या करना होता है, किसी भी एक टर्मिनल को ऐसे कोई से भी प्रॉप से कनेक्ट करना है, उसके बाद किसी भी एक प्रॉप को आपको बॉडी से अटैच करना है, यानी कि उस टर्मिनल के अलावा जो बॉडी का कंप्रेसर का जो भी पार्ट है उससे आपको इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है। बस ये ध्यान रखिएगा वो जिस पॉइंट पे आप कनेक्ट करेंगे वहां पर से थोड़ा सा साफ होना चाहिए, यानी कि बॉडी जो है वहां पर पेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कि क्या होगा वो आपको अगर अर्थ होगी अगर मोटर तो आपका कंटिन्यूटी शो करेगा। तो यहां पर कोई भी अर्थिंग नहीं है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और यहां इस तरीके से आप सारे टर्मिनल में चेक करके कंपनी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो मोटर है वो कहीं अर्थिंग तो नहीं है। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी और जो अर्थिंग है उसको ऑफलाइन ये मेथड है, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी मोटर ओपन नहीं है या आपकी जो मोटर है वो शॉर्ट तो नहीं है, और इस तरीके से आपकी जो ऑफलाइन मेथड की जो टेस्टिंग है मोटर की वो कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब ऑनलाइन मोटर टेस्टिंग या मेथड की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं ऑनलाइन मेथड। इसमें हमको चिलर को ऑन करना होता है, उसको रन कराना होता है। जब आपका कंप्रेसर फुल लोड पे आ जाएगा तब हम यहाँ पर उसके एम्पियर और वोल्टेज चेक करेंगे, जिससे कि हमको पता लग पाएगा कि आगे से जो सप्लाई आ रही है थ्री फेज़ की उसमें कोई सा भी फॉल्ट नहीं है जो कि आगे चल के आपके कंप्रेसर की वाइंडिंग को दिक्कत दे सकता है। तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं 170 एम्पियर ले रहा है हमारा कंप्रेसर, यानी कि फुल लोड पे आ चुका है। अब इसके बाद हम तीनों टर्मिनल पे या आप कॉन्टैक्टर पे जहाँ पर भी आपको चेक करना हो वहाँ पर चेक कर सकते हैं वोल्टेज को, उसके बाद हम क्लैंप मीटर के थ्रू एम्पियर चेक करेंगे। तो इससे हमें ये पता लग पाता है कि आपकी जो वोल्टेज है या आपका जो कंप्रेसर है वो किस तरीके के एम्पियर ले रहा है, जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो डाटा प्लेट में जो आपके पैरामीटर शो हो रहे हैं उसके अलावा कुछ और जो पैरामीटर्स तो नहीं दिखा रहा है, कहीं एम्पियर ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, जो वोल्टेज है उनमें कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है। तो इससे आपको क्या होता है एक तरीके का अंदाज़ा मिल जाता है कि आपका जो सप्लाई है वो फॉल्टी तो नहीं है। तो यहाँ पर पहले भी आपने देखा था, यहाँ पर एक मेन MCC भी है, उससे दो कॉन्टैक्टर कनेक्ट है। तो ये जो कॉन्टैक्टर हैं ये डायरेक्टली मोटर कंप्रेसर की वाइंडिंग से कनेक्ट हैं, जो कि इसको थ्री फेज़ की सप्लाई देता है। तो यहाँ पर आपने क्लैंप मीटर ले लेना है, उसके बाद आपने इसको वोल्टेज वाले ऑप्शन पे आपके उसमें 1000 वाला हो या 500 जितना भी होगा उसको रख के हाईली पे रखना है। हाईली का मतलब है इसमें दो ऑप्शन आते हैं वोल्टेज वाले में, एक आता है आपका 240 वाला या उसके बाद वाला 700 से ऊपर, जितना भी आपका वोल्टेज वाला ऑप्शन हो उस पर सेलेक्ट करते आप यहाँ पर आपने वोल्टेज चेक करना है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में मतलब RYB आपका फेज होता है, तो एक बार RY पे, उसके बाद YB पे, और उसके बाद आप B और R पे चेक कर सकते हैं। ऐसे आप तीन सीक्वेंस पे तीनों फेसों पे आपको वोल्टेज चेक करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो यानी कि आगे से आपकी जो सप्लाई है वो फॉल्टी है, जो कि बाद में कंप्रेसर की वाइंडिंग को ख़राब कर सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर पहले प्रॉपर चेक करना होता है। और ये ज़्यादातर तब काम आता है जब आप कहीं पर कंप्रेसर को ठीक करके उसको रन करा रहे होते हैं, यानी कि आपने अभी अभी कोई कंप्रेसर ठीक किया है और उसको ठीक करने के बाद आप उसको वहाँ पर प्लेस करते हैं और वहाँ पर आप कस्टमर को चला के दिखाते हैं उसको। तो कुछ इस तरीके से आप क्लैंप मीटर से फिर बाद में एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। आपने एम्पियर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है अपने क्लैंप मीटर को, उसके बाद जो एम्पियर है इस तरीके से शो हो जाएंगे। वायर के बीच में आपने क्लैंप कर देना है, 77 आप देख पा रहे हैं, हर एक वायर के अंदर आपको लगभग ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा, जैसे 75, 74। तो जो तीनों कॉन्टैक्टर हैं ये मैंने आपको बताया, सॉरी दोनों जो कॉन्टैक्टर हैं ये आपके डायरेक्ट जा रहे हैं वाइंडिंग की तरफ, और जो और स्टार्टर्स होते हैं जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार हो गया आपका या डेल्टा स्टार्टर,
तो अलग अलग आपको स्टार्टर देखने को मिल जाते हैं। वो मोटर की HP पे डिपेंड करते हैं, कितनी HP की आपकी मोटर है, किस तरीके का उसका लोड है। तो आगे चल के किसी और वीडियोस में मैं आपको मोटर्स के थ्रू ये स्टार डेल्टा या डेटा वाला कनेक्शन ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी आप ये देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके से जो 3 फेज की सप्लाई है आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ पर आपको ज़्यादा एम्पीयर देखने को मिलेंगे। कॉन्टैक्टर में आपने देखा 70 लगभग आ रहा था और यहाँ पर आपको 100-150 तक आपको यहाँ पर एम्पीयर देखने को मिल जाएंगे। तो यही सप्लाई आगे जाके कॉन्टैक्टर में डिवाइड कर दी गई है। तो कुछ इस तरीके से आप वोल्टेज और एम्पीयर को चेक करते हैं जब आप किसी नई चीज़ को प्लेस कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आपकी वाइंडिंग चली जाती है तब आप ऑफलाइन मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम आपका कंप्रेसर चल नहीं सकता है। और कंप्रेसर जब चल रहा होता है, आपने बस अपना जो कंप्रेसर प्लेस किया होता है उसको चेक करके और अपने कस्टमर को दिखाना होता है कि जो आपका कंप्रेसर है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये दो मेथड्स हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसके थ्रू किसी भी मोटर या कंप्रेसर को चेक करके आप जितने भी उसके स्पेसिफिकेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आगे चल के मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके की और वीडियोस को अपलोड कर पाऊं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं इसी तरीके की HVAC और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप डालने लग गया हूं अपने चैनल पे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं चैनल से, आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए। तो मिलते हैं इसी तरीके की नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।